इस बार मेरे पास क्वांटिटी में काफी स्टॉक अवेलेबल है एक्सबॉक्स सीरीज एस का। PS5 मिल जाएगा मेरे पास आपको जापान, यूके, यूएस तीनों रीजन में। PS3 के कुछ डील्स है 1 TB के अंदर मेरे पास, जो वो मैं आपको इसके वीडियो में आपको बताऊंगा इस बारे में। एक्सबॉक्स वन का स्टॉक काफी अवेलेबल है मेरे पास, इसके भी डील्स है। एक्सबॉक्स वन एस है मेरे पास, एक्सबॉक्स वन एक्स है मेरे पास। इसके अलावा प्रो की मेरे पास डील्स है कुछ, जो स्टॉक मेरे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है। ब्रांड न्यू PS4 मेरे पास आपको मिल जाएंगे, जिसकी मैंने डील्स वगैरह बनाई है, इसके बारे में भी आपको मैं पूरा गाइड करूंगा। एक्सबॉक्स वन की गेम्स के बारे में आपको मैं सारे मुख्तलिफ गेमों के प्राइजेस वगैरह मेंशन करता हूँ। PS4 मेरे पास न्यू कंडीशन में ऑफिशियल मौजूद है, जिसका मैं आपको बाहर गाइड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं वापस आया हूँ अपना उमेर भाई की शॉप पर। ईद के बाद ये पहली वीडियो अपना उमेर भाई की शॉप पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है। और स्पाइडरमैन एडिशन के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कंसोल्स यहाँ पे अवेलेबल है, PS4 प्रो के और एक्सबॉक्स वन एस भी है, वन एक्स भी है, और फैट भी यहाँ पर मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं। और PS3 के यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर और रेड दोनों मौजूद हैं, तो इनकी प्राइसेस वगैरह हम सब उमेर भाई से पूछते हैं। अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है इस बार, तो अभी फ़िलहाल उमेर भाई से एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह सब कुछ अभी सारी फिर अभी इन्फॉर्मेशन वगैरह हम उमेर भाई से लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जैद, आपके सो ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, सुना है अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। अच्छा, तो मेरे अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह बताएं फिर। देखें, रेमबो सेंटर में मेरी शॉप है। मैंने हमेशा कहा है कि आपने सीढ़ी चढ़ना है, उल्टी आपकी पहली शॉप है F100A गेम्स वर्ल्ड के नाम से। सेकंड सीडी से अगर आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड की पहली शॉप है F48 गेम्स वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। दो शॉप है मेरी, मैं नियर एम्प्रेस मार्केट रेमबो सेंटर बड़ा मशहूर है, ठीक है ना। और मैं आपको अपना नंबर भी बता देता हूँ, मेरा नंबर है 0322-22384-00 22-38-400। नंबर वगैरह आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तीनों नंबर और एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सही है। और जैसे कि अभी उमेर भाई ने अपना नंबर तो ऐसे बता दिया, तो उमेर भाई शॉप की टाइमिंग क्या है फिर अभी फिलहाल? देखिए, शॉप की टाइमिंग जो हम लोग की है, हम लोग वैसे दुकान 1 बजे ओपन करते हैं शॉप को, और तकरीबन 9:30 तक, तकरीबन 9:30 तक दुकान खुली हुई होती है। और मैं असल में थोड़ा सा दूसरे कामों में भी लगा रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं शॉप पर आता हूँ 4:30-4 बजे। बाकी माशाल्लाह आमिर भाई, अवेश भाई वगैरह जो शॉप कीपर वगैरह सारे, वो 1 बजे दुकान आप दुकान पर आ जाते हैं और 9:30 तक हम लोग शॉप पे होते हैं, सही है। और संडे वाला दिन? संडे को तो खैर क्लोज होता है, बाकी अगर जिससे आज भी संडे का दिन ही हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, तो संडे को ऐसा होता है कि अगर किसी कस्टमर की नीड होती है, भाई जैसे किसी को टाइम नहीं मिलता आम दिन में, वो संडे को सिस्टम उससे बाय करना चाहता है, तो संडे को अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके सिस्टम बाय करना चाहेंगे तो मैं शॉप खोल के आपको सिस्टम वगैरह दे सकूँगा। और अब जैसे कि हम संडे को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल जैसे कि मंडे को छुट्टी है, यकम मई की वजह से, इसलिए हम संडे वाले दिन बना रहे हैं वीडियो। तो फिलहाल अब वीडियो आगे शुरू करने पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल अब प्राइसेस पर आते हैं, तो उमेर भाई सबसे पहले यहाँ पर PS3 आपके मौजूद है सिल्वर कलर में, तो इसका जरा आप रेट बताएं क्या है यहाँ पे? मेरे पास माशाल्लाह से 3 एडिशन आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा अगर करीब से दिखा भी दूँ। देखिए, मेरे पास टोटल माशाल्लाह से अभी 3 पीस आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 21 सिल्वर कलर में आया है, ठीक है, मेरे पास करीब से दिखा दें। सीड कंसोल ही सही है, ठीक है, कंप्लीट सामान के साथ है। अच्छा, 2 कंट्रोलर वायरलेस इसके साथ है, स्क्रीन की वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री साथ है। 2 सिलिकॉन कवर भी इसके साथ एक्स्ट्रा मैं आपको दूंगा, ठीक है। प्लस ये 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ है, 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ है। अराउंड 70-75 इसमें गेम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसका जो मैंने अभी पैकेज बनाया, देखो इस दफ़ा डील वगैरह मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि प्राइसेस काफ़ी हाई हुए, इसकी वजह से मैं डील नहीं बना पा रहा हूँ। पैकेज मैंने इसका बना दिया है, तो ये मेरे पास जो है सिल्वर में है, ठीक है। इसका जो पैकेज बनाया इसका मैंने कंप्लीट सामान के साथ है, 2 वायरलेस कंट्रोलर है, ठीक है, और इसके अंदर तकरीबन 70-75 गेम इंस्टॉल्ड, 2 सिलिकॉन कवर एक्स्ट्रा होंगे इसके साथ, ठीक है। स्क्रीन तो कॉम्प्लीमेंट्री साथ है, वैसे जरूरत नहीं इसको लगाने की, ठीक है ना। और 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ है। इसका जो मैंने प्राइस रखा है वो 33,000 का रखा है, 33,000 का। इसमें एक सिल्वर आ गया मेरे पास, सही है, ठीक है। एक ये रेड आ गया मेरे पास जी, ठीक है,
और जो है ये भी कंप्लीट सामान के साथ दो कंट्रोलर 75 GB और साथ साथ एक ये आ गया हमारे पास अल्ट्रा स्लिम सुपर स्लिम भी आ गया सुपर स्लिम भी ये भी 1 TB है यानी कि टोटल मेरे पास 3 पीस आए हैं 1 TB के साथ हैं 33 का मैंने तीनों का प्राइस रखा है आप चाहे मुझसे अल्ट्रा लें चाहे आप मुझसे स्लिम लें तीनों का पैकेज सेम रहेगा ठीक है सही है 35,000 रुपए का ये और PS3 और PS3 स्लिम और सुपर स्लिम में बस हार्ड ड्राइव का ही फर्क है बाकी सब चीजें वही हैं और डिजाइन का फर्क है बिल्कुल जो आपको पसंद वो कलर की वजह से थोड़े से महंगे होते पर मैंने प्राइस सेम ही रखा सेम ही रखा सही है ठीक है ना और अपना नॉर्मल वाले की फिर PS3 स्लिम के और इसी में नॉर्मल पे हम जाते हैं तो 24,000 रुपए का हमें मिलेगा PS3 ओरिजिनल सील कंसोल ठीक है स्लिम वाला 320 GB हार्ड ड्राइव तकरीबन 20 गेम इस पे इंस्टॉल होंगे दो कंट्रोलर इसके साथ ठीक है इसके साथ सिलिकॉन कवर एक होगा स्क्रीन कॉम्प्लीमेंट्री होगी 1 वीक की वारंटी हर कंसोल की होगी ठीक है इसका जो प्राइस है 24,000 रुपए का और इसी में अल्ट्रा स्लिम लेंगे हम तो वो 28,000 रुपए का यानी कि आफ्टर डिस्काउंट आपको मैं दूंगा 27,500 रुपए का 27,500 रुपए का अल्ट्रा स्लिम दो वायरलेस कंट्रोलर 500 GB तकरीबन अराउंड 35-40 गेम इंस्टॉल्ड सिलिकॉन कवर विद स्क्रीन 1 वीक की वारंटी अच्छा वारंटी मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ ये माशाल्लाह से इससे मेरे को बड़ा बेनिफिट्स मिलता है और मैं बड़ा खुश भी होता हूँ जब मैं किसी को पैसे रिटर्न करता हूँ तो रिटर्न की बात ऐसी है कि अगर कंप्लेन आती है मैं आपको ओके करके दूंगा ओके नहीं होगा दूसरा पीस दूंगा दूसरा पीस नहीं होगा पैसे रिटर्न करूंगा ये आपसे मैंने हमेशा कमिटमेंट किया है और मैं रिटर्न भी करता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरे को इससे पता चलता है यार मेरी चीज़ ख़राब है और कस्टमर हकदार है पूरा मुझसे पैसा लेने का तो मैं इसलिए क्लियरली और सब अपना क्या नाम है होम डिलीवरी सर्विस का भी बता दें जरा होम डिलीवरी सर्विस भी देखें आउट ऑफ सिटी में माशाल्लाह काफ़ी लोग मंगवाते हैं अल्लाह पाक के करम से बहुत रिस्पांस मुझे मिलता है आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों की बहुत सारी मुझे मोहब्बत मिलती है आप लोगों की आउट ऑफ सिटी वालों की भी स्पेशली कराची वालों की भी स्पेशली तो तरीक़ेकार हमेशा की तरह यही रहा कि आप मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे बैंक इजी पैसा जेएस के जिसमें आपको सहूलत होगी TCS चार्जेस होते हैं ठीक है आप वो मुझे टोटल पेमेंट आप ट्रांसफ़र करेंगे मैं आपको यहाँ से पार्सल पहुँचाऊँगा इंश्योरेंस के साथ कॉरियर जो है वो उसका आपके जब आपके पास रिसीव होगा तो उसके बाद मेरी वारंटी 1 वीक की स्टार्ट होगी अच्छा आपके लिए भी ये ऑफर है यानी कि बाहर वालों के लिए भी कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप मुझे रिटर्न कर सकते हो ओके करवा सकते हो चेंज करवा सकते हो पैसे रिटर्न ले सकते हो चाहिए कराची में भी तकरीबन यही सीन है कि हम लोग बाइक के थ्रू भिजवा देते हैं आप पेमेंट मुझे ट्रांसफर कर दोगे तो मैं आपको देखा असल में माशाल्लाह काम मेरे पास अल्लाह पाक के करम से बहुत होता है यहाँ पर टाइम नहीं होता इसकी वजह से कराची में भी मैंने थोड़ा सा आउट ये जो कैश ऑन डिलीवरी का सीन है ना ये बाइक के साथ मैंने रखा वैसे सही है अच्छा तो अपना उमेर भाई किसी को अपना कंसोल वगैरह गेम वगैरह एक्सचेंज या सेल आउट करना तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अगर चाहें अपना पुराना कंसोल देकर नया कंसोल नहीं है ये भी यही बता दें कौन सा कंसोल में से इंक्लूड नहीं है सब इंक्लूड है PS2 भी इंक्लूड कर दिया PS2 भी इंक्लूड कर दिया जैसे आप कुछ लोग आते हैं ना जैसे भाई हमें PS2 देना है हमें एक्सबुक्स चाहिए PS2 देना है हमें PS3 चाहिए एक्सबुक्स देना है हमें PS4 चाहिए तो मतलब PS3 ऑल कंसोल आप मुझसे एक्सचेंज करवा सकते हो सही है ठीक है ना और एक्सचेंज अपना सेल आउट भी गेम वगैरह भी ऐसा सीन अगर आप खाली सेल करना है तो सेल भी आप कर सकते हो ठीक आपने इसमें मतलब गेम सेल करना है अपना या मशीन को सेल करना है आपने तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हो तो यहाँ पर PS3 तो पहले कंप्लीट हो चुका है तो अब हम आते हैं Xbox 360 की तरफ Xbox 360 का रेट बताएं जी 360 का भी प्राइस हाई हो गया है फैट मॉडल जो अभी हम लोग चला रहे हैं वो मैंने लास्ट टाइम आपको जिसे रमजान में बताया था कि मैंने पैकेज बनाया था 20,000 का जिसमें एक कंट्रोलर वायरलेस और एक कंट्रोलर वायर वाला था तो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हुई है अभी मैंने 21 का पैकेज कर दिया दो कंट्रोल वायरलेस कर दिए सही हालांकि देखा जाए प्राइस तकरीबन वही है लगभग बस दो वायरलेस कंट्रोल के साथ 21 कर दिया अगर आप एक वायर वाला लेंगे एक वायरलेस लेंगे तो प्राइस वही रहेगा 20,000 रुपये का सही मतलब इसमें चेंजिंग नहीं करी स्लिम पर है स्लिम थोड़ा सा महंगा हो गया स्लिम अगर आप लेंगे तो 24,000 रुपये का मिलेगा आपको ठीक है दो कंट्रोल के साथ अच्छा ये दो कंट्रोल के साथ आप देते हो एक कंट्रोलर कर दें तो फिर कितना फर्क है एक कंट्रोल के पैसे माइनस हो जाते हैं एक कंट्रोल के पैसे जैसे 2000 जैसे वायर वाला कंट्रोल 2000 रुपये माइनस हो गए वायरलेस हुआ तो 2500 रुपये माइनस हो गए देखिए अलग से हम लोग जब सेल आउट करते हैं जाहिर सी बात है अगर आप एक्स्ट्रा जैसे कोई एसेसरीज बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी हमें महंगी पड़ती है अब हम लोग क्या करते हैं अगर आप मुझसे पैकेज लेंगे ना तो उसमें वो चीज़ें क्या होती है ऐड हो जाती है और उसका एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग ऐड नहीं करते तो वो आफ्टर डिस्काउंट में आ जाती है अब जैसे किसी को एक कंट्रोल के साथ चाहिए वो बंदा मुझे कहता है वो मेरे भाई मेरे को एक्स्ट्रा कंट्रोलर बाद में लेना होगा तो जब आप बाद में लोगे तो जाहिर सी बात है फिर वो कंट्रोलर जब आप मुझसे बाय करोगे तो वो एसेसरीज के तौर पे आपको मैं सेल करूंगा तो अपना हम लोग अपना मार्जिन रखे फिर वो सेल आउट करते हैं तो अपना ये हो गया सुपर अल्ट्रा सिम पर जाए 26,500 का 26,500 का अल्ट्रा सिम में सेम दो कंट्रोलर दो वायरलेस कंट्रोलर लेंगे तो एक वायर और वायरलेस सही है ये असल में मैं आपको बताऊँ मेरे पास स्लिम फैट और अल्ट्रा स्लिम ये वाले मॉडल आपको अगर जैसे कोई कस्टमर आता है हमारे पास जैसे मैंने हमेशा कहा है कि भाई 18,000 में चाहिए मैं दूंगा 18,000 में स्लिम 20,000 में 22,000 में चाहिए मैं आपको दूंगा अल्ट्रा स्लिम आपको 25,000 में 24,000 में चाहिए मैं आपको दूंगा देखो मैंने आपको बताया हर वीडियो में मैं इस दफ़ा क्लियर करता हूं क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग का जो स्टॉक आता है वो दो कैटेगरी का आता है और दोनों कैटेगरी मेरे पास मौजूद है सही तो ये जो मैं प्राइस देता हूं ये मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप मेरे पास जब आओ ना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास शिकायत ना
तो ये थोड़े सा अगर मेरे प्राइस ज़्यादा है तो वो चीज़ के हिसाब से प्राइस होंगे। अगर नॉर्मल हम उस पर जाएंगे बेसिक चीज़ पे तो फिर जाहिर सी बात है प्राइस कम होगा, तो वो चीज़ उसके हिसाब से फिर होगी। सही है। अच्छा, ये एक्सबॉक्स वन फैट आपके मौजूद है, इसका भी रेट बताएं क्या दे रहे हैं? माशाल्लाह से मेरे पास एक्सबॉक्स वन का भी स्टॉक काफ़ी आया हुआ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि जी जी उसको बता देता हूँ। ये 1 TB है ये वाला, तो ये मेरे पास 1 TB आया हुआ है, ठीक है। एक्सबॉक्स वन ओरिजिनल सील कंसोल है ये, दिखाएगा करीब से, करीब से दिखा देता हूँ अगर आपको आ रहा हो, मैंने पैक करा हुआ, ठीक है जी जी। ये 1 TB सही है, इसमें मैंने लिखा हुआ है मार्कर से, 1 TB है मेरे पास, ठीक है। 500 GB है मेरे पास, माशाल्लाह काफ़ी स्टॉक है इसका भी। प्राइस की हम बात करते हैं तो मैंने इसका एक पैकेज बनाया, पैकेज क्या बनाया है देखें, नॉर्मली अभी जो प्राइस हुआ है ना वो अराउंड 35,000-36,000 का खाली कंसोल हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब पैकेज मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 40,000 रुपये में, 40,000 रुपये में मैं आपको दूंगा एक्सबॉक्स वन 500 GB कम्प्लीट सामान के साथ, विथ सिलिकॉन कवर आपको दूंगा मैं, स्किन वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होती है, प्लस एक बैग होगा, हैंड बैग जो अलग से लोग परचेस करते हैं, जैसे हम यार को बैग चाहिए तो बैग में सेफ्टी हो जाती है, आसानी हो जाती है ले जाने में आने में, तो बैग भी इसमें इंक्लूड होगा, तकरीबन 1,500-2,000 रुपये का बैग है, बैग इंक्लूड हो गया, ठीक है, कंप्लीट सामान, प्लस 4 महीने का गेम पास दोबारा से ऐड कर दिया मैंने, 4 महीने का गेम पास, हालांकि बीच में मैंने गेम पास हटा दिया, अब दोबारा से 4 महीने का गेम पास ऐड हो गया इसके अंदर, एक्स्ट्रा में बैग ऐड हो गया, सिलिकॉन कवर हो गया, स्किन हो गई, मशीन हो गई, 40,000 रुपये का ये पैकेज है। इसी में आप 1 TB पे जाओगे तो 45,000 रुपये का, 45,000 का, हालांकि 1 TB का रेट थोड़ा ज़्यादा है, पर अभी मेरे को थोड़ा सा कम प्राइस में आया हुआ तो मैं सेम पैकेज दे रहा हूँ आपको 45,000 रुपये, 45,000 रुपये। अगर आप विदाउट एक्स्ट्रा सामान लेना चाहोगे तो 35,000 में आपको मशीन मिल जाएगी मेरे पास, सही है, तो फायदा डील में है, सही, ठीक है ना। इसी में हम जाते हैं 1S पे, ठीक है ना। ये मैंने वीडियो लगाया था इसका, आई थिंक रमजानों में लगाया था ना, जी जी जी, रमजान में लगाया था ये, ईद के ईद दिल में लगाई थी ना, दिल में लगाया था, ये मौजूद है मेरे पास, अभी ये सेल नहीं हुआ। इसका मैंने प्राइस दिया था 55,000 का। असल में ये जो है ना थोड़ा सा महंगा क्यों दे रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मली इसका प्राइस बताऊँ तो ये अभी हुआ हुआ है अराउंड 45,000 की खाली मशीन। अच्छा, वो भी मेरे पास है, मतलब सही है, नॉर्मल अगर आपको चाहिए एस तो मेरे पास 45 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला महंगा क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल लाइक न्यू कंडीशन में, ओरिजिनल डब्बे के साथ है, कंप्लीट सामान है, ठीक है। इसका जो मैंने पैकेज रखा था वो 55 का रखा था, 55 का रखा था, जिसके अंदर मैं दे रहा था एक साल का गेम पास, ठीक है ना। तो इसका प्राइस अभी भी वही है, एक साल का गेम पास साथ दूंगा आपको मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 12,000-13,000 रुपये का गेम पास है खाली, और तकरीबन नॉर्मली हम बात कर रहे हैं 45,000 रुपये की मशीन, 55,000 से तकरीबन आपका अमाउंट ये बनी जाता है, प्लस सिलिकॉन कवर एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर, फिर आपको जो है स्किन मिल रही है कॉम्प्लीमेंट्री, और जेनुइन डब्बे के साथ जेनुइन पीस, तो इसका मैंने प्राइस वही रखा है 55,000 रुपये, ठीक है। इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं करी है, एक्स पे जाएं, और ये एक ही पीस है मेरे पास डब्बे वाला, बाकी तो खुले मिल जाएंगे मेरे पास, सही है। तो एक्स पर जाएं, एक्स भी मौजूद है मेरे पास, इसका मैंने जो प्राइस दिया था अराउंड 72 कुछ का दिया था, 75 का पता नहीं, 70 का दिया था, चलो हाँ इसका भी 70 का ही प्राइस है। एक्सबॉक्स वन एक्स ओरिजिनल डब्बे के साथ, ठीक है, कंप्लीट सामान है, एडिशन वाला कंट्रोल इसमें इंक्लूड था, सही, और एक साल का गेम पास है इसके अंदर, ठीक है, कंप्लीट एसेसरीज के साथ है, सिलिकॉन स्किन वगैरह सब कुछ ऐड होगा इसके अंदर, 1 वीक की वारंटी होगी इसका। मैंने अभी इसका जो प्राइस 70,000 रखा था वो अभी भी 70,000 है। अच्छा, गेम पास अगर आप चेंज करवाना चाहो, लाइक जैसे 4 महीने वाला अगर लेना चाहो तो पैसे कम हो जाएंगे, तो फिर आपको ये पड़ जाएगा तकरीबन जैसे 70 का है तो ये आपको पड़ जाएगा 64 का, 64 का गेम पास के साथ, ठीक है। और इसी में हम जाएंगे तो ये आपको पड़ जाएगा 51, यानी कि अराउंड 50 का, सही है, 50 का ये पड़ जाएगा 4 महीने की गेम पास के साथ, और इसके अलावा जो है ये वाला जो है आपको पड़ जाएगा 64 का ये पड़ जाएगा आपको, ठीक है, और 50 का वो पड़ जाएगा आपको अगर आप 4 महीने का गेम पास साथ लोगे इसके, सही है। अच्छा, तो मेहर भाई अभी जैसे कि PS4 की तरफ हम आते हैं, बाकी सारे कंसोल्स तो हो चुके हैं, तो फैट का पहले रेट बताएं, नॉन जेल ब्रेक, देखिए नॉन जेल ब्रेक जो फैट मॉडल है, देखिए अभी हम लोग जो चला रहे हैं वो अराउंड 4500 पर एक प्राइस हो गया है, सही है, हालांकि हमने 40, 42, 45 में भी दिया है, पर अभी जो करंट प्राइस है वो अराउंड 4500 पर ही है। अच्छा। नॉन जेल ब्रेक फैट मॉडल, ठीक है, और वही अगर हम 1 TB पे जाएंगे तो 5,000 रुपये का फर्क आता है, मतलब आपको जो मेरे पास मिलेगा वो तकरीबन 46, 48, 47, 50,000 इस तरीके से मुख्तलिफ मेरे पास कंसोल्स है, जो आप विजिट करेंगे तो मैं आपको कंडीशन पे डिपेंड, कंडीशन मॉडल पे डिपेंड करता है, और वही जो भी आपके पास होगा 1 TB उसके 5,000 ऊपर उसके लग जाएंगे, सही है। और अपना क्या कहते हैं स्लिम पर है, स्लिम वाला जो है वो अराउंड 55 से स्टार्ट हो रहा है, तो तकरीबन 60-62 तक का, जिसमें 5 और 1 TB दोनों इंक्लूडेड, सही है। और इसके प्रो पर जाएं, प्रो तकरीबन 75 से लेके अराउंड 80 तक का मिल जाएगा आपको, 75 से 80 तक, जेल ब्रेक पे अगर हम जाते, देखें जेल ब्रेक भी काफ़ी माल शॉर्ट हुआ हुआ है और काफ़ी प्राइसेस हाई हुए हुए हैं, जेनिन वही हमेशा की तरह मैंने कहा है कि जेनिन मशीन जो है वो बहुत महंगी हुई है, तो स्टार्टिंग जो प्राइस हो रहा है फैट मॉडल 65,000 से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 75 तक की आपको मिलेगी जेल ब्रेक, जेल ब्रेक, सही है, उसमें भी मॉडल्स कंडीशन वगैरह होगी, और सही है, 500 GB 1 TB दोनों इंक्लूड होगा इसमें, सही इंक्लूड होगा। और स्लिम पर है, स्लिम वाला 75 से स्टार्ट होगा तो तकरीबन 85 तक जाएगा, जाएगा। और प्रो,
ये बेसिक कंसोल का मैं आपको बता रहा हूं। सही सही, प्रो प्रो तकरीबन समझ लो अराउंड 96-97 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,05,000-1,00,000 पे जा रहा है। नहीं करो यार, इतना ज़्यादा प्राइसेस हो गया। अच्छा, क्योंकि देखो जेन्युइन मशीनें, मैंने हमेशा कहा है ना, जेन्युइन जो मशीन है ना वो बहुत महंगी हो गई है। वैसे तो मैंने आपको कहा ना, बेसिक मशीन अगर हम नॉर्मल लेना चाहते हैं, नॉर्मल भी है मेरे पास, जेल ब्रेक 70,000-68,000 में भी मिलेगा आपको स्लिम। जेल ब्रेक, जेल ब्रेक। फैट मॉडल 55,000 में, 58,000 में, 60,000 में भी मिलेगा आपको, कैटेगरी के हिसाब से, जो मैं आपको पहले भी बता चुका। कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो दो कैटेगरी आ गई ना, एक जेन्युइन में आ रही है और एक थोड़ी सी उसमें आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो प्राइस में फर्क आ रहा है। सही है। और प्रो में जा रहे तो प्रो आपको 85 का भी मिल जाएगा जेल ब्रेक, 90 का भी मिल जाएगा आपको जेल ब्रेक, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो कस्टमर की नीड के ऊपर होगा, जैसी वो नीड करेगा उसके हिसाब से मैं आपको उसको आपको मैंने चीज़ देनी है, ठीक है। तो आपको जैसे कि बजट कम है पर आपको प्रो चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आपको ये मशीन दिखा दे। सही है, तो बजट के हिसाब से ही मशीन मैं आपको दूंगा। सही है। तो यहाँ पर अब आपके पास ये मशीन्स मौजूद है कुछ PS4 की, तो इसका ज़रा बताएं क्या सीन है। असल में पता, ये तो बिल्कुल समझ लो, ये मैंने डिस्प्ले पे इसलिए रखी है क्योंकि थोड़ी सी महंगी मशीन है। वजवात इसकी ये है कि ये मेरे पास आया हुआ है 1 TB है, ठीक है, 22-15। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन। सही, ठीक है। अमूमन जो हमें यहाँ पर स्टॉक मिलता है वो मिलता है जापान या UK। सही, US अमूमन बहुत कम आता है, तो ये US है, ठीक है, 22-15 US रीजन है, नॉन जेल ब्रेक 1 TB के साथ है, ठीक है। इसका जो मैंने प्राइस देना है, वैसे तो ये नया पीस बिल्कुल कंडीशन लाइक न्यू है और मॉडल भी लेटेस्ट है 22 का, ठीक है ना, 15 US रीजन वाला। तो इसका जो प्राइस मैं कोट कर रहा हूँ, बल्कि 70,000 में दो कंट्रोल के साथ। 70,000 में आप दो कंट्रोल के साथ दोगे। सही है। देखो मैंने आपको बताया बेसिक जो कंसोल है वो 55 से 65 का मिल रहा है। जी जी, जिसमें 500 GB 1 TB हमें मिल रहा है, वो कंडीशन वगैरह मॉडल वगैरह, ये बिल्कुल न्यू पीस है। सही, कंडीशन में भी और मॉडल में भी हर चीज़ में न्यू है। तो इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, फिर भी मैं आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 70,000 में दो कंट्रोल के साथ दूंगा। सही है, ठीक है। इसी के नीचे मेरे पास पड़ा हुआ है ये जेन्युइन, ये भी इसी टाइप कंडीशन में है, ओरिजिनल डब्बे के साथ है, सीरियल मैच बॉक्स है, ठीक है। ये भी 1 TB है मेरे पास, इसका भी सेम प्राइस है 70,000। ये दो पीस मेरे पास आए हुए हैं, दोनों ऑफिशियल है। सही, ठीक है। इस तरफ हम आए तो यहाँ पर आपके पास PS4 प्रो मौजूद है। ये एक तो बस मेला लूट लिया जो लगाया था मैंने ईद में, रमजान में, रमजान में ईद, वो ईद उल फितर की डील। हाँ, जो बहुत सस्ता मैंने लगा दिया था, जबकि बेसिक की कंसोल तकरीबन 75-80,000 रुपए का होगा इस वक्त, और वो मैंने 85,000 रुपए का रेट लगाया था मैंने। तो वो जो मेला लूट चुके थे, तो वो जो लूट गए तो लूट गए, बाकी हम भी लूट गए। अच्छा, ये अभी मेरे पास माशाल्लाह से दो पीस और आए, तो अभी थोड़े से महंगे आए। अब इसकी भी मैंने एक पैकेज लगाया, इसका डील मैंने एक बनाया है। डील मैंने जबा क्या सोचा है, वही जो प्राइस प्राइस चेंज है, आइटम तकरीबन सेम ही है। जैसे स्पाइडरमैन मशीन हो गई, ठीक है, कंप्लीट सामान के साथ, ये दोनों ऑफिशियल है, ठीक है ना, जेल ब्रेक नहीं, ऑफिशियल है, कंप्लीट सामान के साथ हो गई। CD साथ एक्स्ट्रा दूंगा आपको मैं स्पाइडरमैन की। सही है, ठीक है। एक्स्ट्रा कंट्रोलर भी दूंगा आपको मैं, ठीक है, कोई भी आप उसी, तीन मेरे पास चार कैरेक्टर है स्पाइडरमैन के एक्स्ट्रा में, जो भी आप मुझसे बाय कर सकते हो। एक तो मशीन के साथ ओरिजिनल होगा, एक्स्ट्रा में ये होगी, ठीक है, प्लस एक्शन फिगर भी, ये तीन मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसमें से आप इसके साथ कोई भी ले सकते हो, 2,500 रुपये का एक्शन फिगर, ठीक है ना। तो इसका जो मैंने आफ्टर डिस्काउंट प्राइस रखा है, वैसे तो खाली मशीन ही तकरीबन इस वक्त ये 88,000 की हुई हुई है, ठीक है ना, 90,088 की बिकती है। 95,000 में आपको दूंगा मैं ये सारा कंप्लीट सामान। सही, 95 में क्या मिल रहा है आपको, PS4 प्रो स्पाइडरमैन एडिशन कंप्लीट सामान के साथ, प्लस सिलिकॉन कवर दो होंगे इसके साथ, ज़रूरत नहीं है फिर भी दो दूंगा आपको मैं, स्पाइडरमैन की CD एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कंट्रोलर और एक्स्ट्रा एक्शन फिगर स्पाइडरमैन, ठीक है। सही है, ये कंप्लीट पैकेज 95,000 का मिलेगा आपको, दो पीसेस के भी मेरे पास माशाल्लाह से, और जो बाय करेगा वो इजाज़ से बात है उसी के नसीब होंगे 95,000। क्योंकि ये चीज़ें लिमिटेड होती है ना, बहुत कम लोगों के पास आती है, और बहुत कम मतलब जो है ये लोग इसको देख पाते हैं कि यार ये ऐसी चीज़ें हमारे को मिले अच्छी एडिशन वाली, तो दो पीस आए मैंने। सही है, तो यहाँ पे इसके 95,000 हो गए, एक्शन फिगर, एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर और CD साथ दे रहे हैं, और सिलिकॉन पाउचेस भी साथ है दो, और 1 वीक की वारंटी, 1 वीक और जेन्युइन सील्ड मशीन। सही है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा उमेर भाई, ये आपके पास दो पीस मौजूद है यहाँ पे ब्रांड न्यू, आप कह रहे हो इन्हें, तो क्या इसका रेट वगैरह तो बताएं, PS4 स्लिम 500 GB। जी बिल्कुल, देखें ये दो मेरे पास पीस माशाल्लाह से आए हुए, देखें मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था कि हम लोग के पास ना कुछ ऐसे पीस आते हैं जो मतलब वो बंदे हमारे जो बाहर से आ रहे होते हैं, तो वो हैंड कैरी में ले आते हैं, जिनका बॉक्स वगैरह लोग बाहर छोड़ देते हैं, फिर वो सामान वगैरह वो आसानी हो जाती है, तो उसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह कम लग जाती है हमारे पास, तो एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे करना नहीं पड़ते। तो इसी तरह मेरे पास ये 500 GB एक और पीस आया है, और 1 TB में आया है, ठीक है। 500 GB जो है वो UK रीजन पर है, और 1 TB जो है US रीजन पर। सही है, ठीक है। दोनों जेल ब्रेक है, डब्बा पैक, दोनों ब्रांड न्यू कंडीशन में है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं दो कंट्रोलर दूंगा, इसके साथ भी दो कंट्रोलर दूंगा, तकरीबन 10-12 गेम वही जो इंस्टॉल होते हैं इसमें, तकरीबन 15-18-20 गेम इंस्टॉल होते हैं। स्क्रीन सिलिकॉन, दो सिलिकॉन कवर एक्स्ट्रा दूंगा। जो नॉर्मली प्राइस हम बात करते हैं 1,10,000 रुपये का है अपना 500 GB, और 1,20,000 रुपये का है 1 TB, तो दोनों का आपको डिस्काउंट में दे रहा हूँ, 1,02,000 रुपये में, 1,10,000 रुपये में।
1,02,000 रुपये में आप 500 GB दे रहे हो, 1,10,000 में 1 TB दे रहे हैं, जबकि आपने मेरी रिसेंट वीडियोस में देखा भी होगा कि 1,10,000 का सिर्फ 500 GB चल रहा है, मशीन है। ऊपर ये एक्स्ट्रा आपको सिलिकॉन कवर भी मिल रहा है, दो एक्स्ट्रा कंट्रोलर मिल रहा है, जेल ब्रेक, फिर गेम वगैरह, फिर स्क्रीन, और एक हफ्ते की वारंटी भी जी। तो 1,02,000 रुपये 1,02,000 में बेहतरीन ये प्राइस, ब्रांड न्यू पीस के 1,10,000 ब्रांड न्यू पीस के बेहतरीन रेट यहां पे दो पीस आए मेरे पास जो रिसेंटली अभी मेरे पास आए, तो मैंने इसकी मैंने सोचा चलो वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो में मैं लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने जो माशाल्लाह से पहले मेरे पास 3 पीस आए थे, तीनों माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। तो अभी 2 पीस हो रहा है। जेल ब्रेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रांड न्यू मशीन है, ब्रांड न्यू मशीन वैसे ही अपना पुराने सॉफ्टवेयर पे होती है, तो आपके ऊपर है आप उसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट करो या जेल ब्रेक करा लो, ये ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहो तो मुझसे जब आपको ऑनलाइन खेलना है या आपको मतलब सीडी चलानी है, आपको जेल ब्रेक नहीं चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हो, प्राइस मैं वही रखूंगा। देखो जेल ब्रेक मेरी नजर में यही है, और कस्टमर को जो जिसको जेल ब्रेक की नीड है तो वो जेल ब्रेक करवाएगा, जिसको नीड नहीं है जेल ब्रेक की वो जेल ब्रेक ना करवाए, उसको ऑफिशियल रखें। अच्छा ये लॉजिटेक का G29 भी आपके मौजूद है? ये मेरे पास मौजूद है, इसका भी मैंने जो ना ईद डील लगाई थी, रमजान डील, तो ये मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जो मैंने बताया था कि डब्बा पैक है बिल्कुल, और शिफ्टर के साथ है, कंप्लीट जेन्युइन पीस है। इसका जो प्राइस मैंने रखा था, वैसे तो अभी जो प्राइस है करंट है वो 94-95 का प्राइस चल रहा है इसका, 82 का मैंने प्राइस रखा था, आफ्टर डिस्काउंट मजीद इसमें मैंने एवरेज मार्केट को 78 कर दिया, 78 कर दिया है, शिफ्टर के साथ है, बिल्कुल न्यू कंडीशन, न्यू पीस बिल्कुल, यानी कि 4,000 और कम कर दिए यहाँ पर। ऐसे में देखो हम लोग के पास जो माल आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर कोई चीज़ ऐसी होती है जो थोड़ी महंगी पड़ी होती है, जाहिर सी बात है हर बंदा शौक रखता है, फिर बजट भी देखता है साथ साथ, तो ये स्पेशली फिर मैं उन लोग के लिए क्या करता हूँ, एवरेज मारता हूँ अपनी कंसोलों की, एवरेज मार के मैं कुछ चीज़ों को जो महंगी होती है उनको थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे मैंने इसकी एवरेज मारी है 82-85 का प्राइस था, तो मैंने इसको आफ्टर डिस्काउंट और मजीद इसको 78 में कर दिया। सही है। और अपना क्या कहते हैं PXN V3 Pro, V3 Pro तकरीबन अभी 19-20,000 रुपये का हुआ है। सही। और V9 तकरीबन 34-35 का हो गया है। सही। अभी स्टॉक खत्म हो चुका है मेरे पास माशाल्लाह। और PXN V900 PXN का V900 जो है वो अभी स्टॉक शॉर्ट है, तो तकरीबन उसका जो लास्ट प्राइस था 23-22-23,000 रुपये था, पक गया अभी कुछ पता नहीं, जब नया माल आएगा तो नए रेट आएंगे उसके, तो उसके फिर सही बताऊंगा मैं आपको। अच्छा उमेर भाई, आपके एक्सबॉक्स सीरीज के कंट्रोलर्स आए हुए, तो इनके रेट तो बताएं क्या है? माशाल्लाह सही, ये नया स्टॉक आया मेरे पास अभी करंटली आया ही है, तो अभी इसका काफ़ी हाई प्राइस हुआ है। अब पहले मैं खाली 15-16-17,000 रुपये का रेट, नहीं 15-16 का रेट था इसका, 15-16 का, अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया 17,000 रुपये का है, ठीक है ना, ब्लैक वाइट और कलर में 200 रुपये का फर्क है। सही है। तीन कलर है मेरे पास, इसमें 17,200 रुपये का कलर है और 17,000 रुपये का ब्लैक वाइट है, ठीक है। सही है। इसी में PS5 का जो है वो अभी 20+ हो गया है। अच्छा। हाँ, वन अब तकरीबन 17-18-19,000 रुपये का रेट चल रहा था, पर अभी 20+ हो चुका है रेट PS5 के कंट्रोलर का। सही है। और इसी के साथ 360 के जो कंट्रोलर है 2,000 रुपये का, इसका सेम ही रेट चल रहा है, हालांकि इसका 2,200 भी रेट हो गया था, पर मेरे पास पुराना स्टॉक है तो मैं 2,000 में दूंगा। कस्टमाइज वाले 2,500 रुपए के। सही है। PS3 के 1650 का रेट चला रहा हूँ मैं। और Xbox 360 का वायरलेस, 360 का वायरलेस जो है वो तकरीबन 4,000 रुपए का चल रहा है अभी, डब्बा पैक जो कॉपी होता है और जो यूज में हमारे पास होते हैं वो तकरीबन अराउंड 3,200-3,500 रुपए के होते हैं, कंडीशन सही है वो। अच्छा ये PS4 के कॉपी कंट्रोलर कितने के दे रहे हो आप? कॉपी कंट्रोलर वैसे तो मैं 4,000 रुपए का चला रहा था, 3,700 वगैरह इसका इतना रेट चल रहा था, अभी मैंने नया स्टॉक आया एवरेज मार के, मैंने पुराना स्टॉक था नया स्टॉक का मिक्स करके मैंने एवरेज मारी 3,500 रुपए की। आपने सही। और ये 500 मिलियन लिमिटेड एडिशन, इसका मैंने रेट कर दिया है 5,800 रुपये, 5,800 रुपये इसका रेट कर दिया। और ओरिजिनल कंट्रोलर आपके मौजूद है 12,000 रुपये उसके रेट, हालांकि 13,500 का जी, 13,500 का हो चुका है। अच्छा PS3 और Xbox 360 के आपके ओरिजिनल गेम मौजूद होते हैं, तो इनका क्या अभी रेट चला रहे हो आप ईद के बाद? क्योंकि ईद में तो आपने 800 रुपये कर दिए थे ना प्राइस सबके, GTA 5 वगैरह को छोड़कर, तो अभी क्या सेल चला रहे हो? अभी देखो असल में नॉर्मल जो सीडी है वो 1,000-1,200 मतलब यही एवरेज रहेगी, वो उस वक्त डील लगानी थी मेरे को, तो मैंने वो हर सीडी को मैंने सेम प्राइस में कर दिया था। सही है। अभी तकरीबन समझ लो वो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है बैठो मैं 1,000-1,200 रुपये की। सही है। अच्छा उमेर भाई, ये कोई गेम्स लगे हुए आपके पास एक वो 1 के, तो कुछ के रेट बताए, RDR2 के रेट क्या है? यार मैं प्राइस वैसे बताने का सोचा नहीं था, पर लंबी हो जाती वीडियो, हमेशा ये कहते हैं जब कुछ प्राइस बताई देते हैं। GTA 5 जो है मेरे पास यूज में आए हुए 4,000 रुपए के हैं, ठीक है, 2-3 दिन पड़े हैं इसके। RDR जो है 5,200 रुपए का है। सही है। टेकिन जो है 5,500 रुपए का है। सही। फोर्जा होरिजन 3 पड़ा है मेरे पास, तकरीबन आपको मिल जाएगा 3,200 रुपए का। रेजिडेंट इवल ये गोल्ड एडिशन है। हाँ, ये गोल्ड एडिशन विलेज है मेरे पास, ठीक है ना। नहीं, बायोहैजर्ड है, बायोहैजर्ड भी पड़ा हुआ है, बायोहैजर्ड भी, ये गोल्ड एडिशन, ये 2,800 रुपए का है। और विलेज जो है वो 5,500 रुपए का है। अच्छा, डूम इटर्नल भी आपके पास मौजूद है? मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल ब्रांड न्यू सीडी है। मैं आपको वैसे तो मार्केट में 6,500 रुपए की, मैं आपको दे दूंगा 4,200 रुपए। 4,200 की। बॉर्डरलैंड, बॉर्डरलैंड में आपको दे दूंगा, ये कलेक्शन है, हैंडसम कलेक्शन है मेरे पास इसका, ठीक है ना। इसमें तकरीबन इसके 2 या 3 गेम है इसमें, तो ये भी मैं आपको दे दूंगा 2,800 रुपए में। 2,800 रुपए में ये दे देंगे। और अपना ये आपके पास FIFA 23 मौजूद है, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू सीडी है, तकरीबन 12-13,000 रुपए की सीडी चल रही है, 9,500 में दूंगा। 9,500। अच्छा 2K का कौन सा आपके पास मौजूद है? 2K 15 है। 15 है। अच्छा, ये क्या रेट दे रहे हैं इसका?
2500 रुपए का ये है। क्रिकेट पड़ा मेरे पास, क्रिकेट आपको मिल जाएगा 4000 रुपए का। 4000 रुपए का क्रिकेट मिल जाएगा, एशेज क्रिकेट ना, सही है। और राइज सन ऑफ रोम भी मौजूद है आपके पास, इसका रेट तो बताएं। 2000 रुपए का। 2000 रुपए का। और मर्डर 2000 रुपए का। 2000 का वो है। 7 days to die कितने का दे रहे हो? 2000 रुपए का। और गियर्स ऑफ वॉर अल्टीमेट एडिशन आपके मौजूद है, ये अल्टीमेट वाला मेरे पास है 2500 रुपए का। फार क्राई 4, फार क्राई 4 2000 रुपए का। और गियर्स ऑफ वॉर 4 2500 रुपए का। 2500 रुपए का। एक्सबॉक्स 1 की ये आपके पास बैटरी मौजूद है? हाँ मेरे पास की दोनों कैटेगरी मौजूद है, ये लगी हुई यहाँ पर, सही है। ये छोटी वाली बैटरी है, ये आपको पड़ेगी 1400 रुपए की। 1400 रुपए की ये ओरिजिनल बैटरी है, बड़ी वाली हैवी वाली, सही। ये 2000 रुपए की। ये 2000 रुपए की। अच्छा मेरे भाई ये क्या मौजूद है, ये थोड़ा यूनिक, ये चार्जिंग डॉक लग रहा है मुझे। ये बड़ी प्यारी चीज है, ये ओरिजिनल चार्जिंग स्टैंड है PS4 का। अच्छा ओरिजिनल। ऑनलाइन रेट देख सकते हो 8,500-9,000 रुपए का रेट, सही सही ना। ये मैं आपको 6000 रुपए में दूंगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये मेरे पास मशीन के साथ आया था, एक डब्बा पैक मशीन जी नहीं हमारे पास माल आया था, तो उसके साथ ये मैंने मंगवाया था, तो ये मेरे को सस्ता पड़ा है 6500 रुपए, बल्कि 6000 रुपए में ये दे दोगे। 8000 रुपए का इसका रेट है ओरिजिनल, ये ठीक है ना, सही है। अच्छा ये और स्टैंड आपके मौजूद है PS4 के, ही कॉपी वाले, ये नॉर्मल वाला, ये 2000 रुपए का, इसी का एक्सबॉक्स 1 का भी, ये भी 2000 रुपए का है, और ये 3000 रुपए का है PS5 का, 3000 का, सारे कॉपी। अच्छा और वो PS3 का, PS4 का, PS4 का स्टैंड है? हाँ वो स्टैंड वाला मेरे पास, वो कंट्रोल चार्ज करने के लिए, मूव चार्ज करने के लिए, वो तकरीबन 5000 रुपए का है। 5000 का वो है, सही है। अच्छा मेरे भाई आपके बहुत सीरीज एस भी मौजूद है, अच्छे पीस, तो अच्छा स्टॉक अवेलेबल, तो क्या इसके रेट दे रहे हो आप? देखें अभी तो इसका प्राइस बढ़ गया, 88 का हो गया इसका प्राइस, सही, और आगे मजीद इसका प्राइस और बढ़ेगा, तो क्या अभी 88 का भी चल रहा है, सही। और PS5 भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसका रेट भी जरा बताएं। ये मेरे पास यूके वेरिएंट है मेरे पास, ठीक है ना, सही। ब्रांड न्यू है, ये आपको पड़ेगा 176 का, सही, और इसका भी अभी प्राइस और हाई होने वाला है। अच्छा। जो अगर आप जापान लेंगे तो 165 का, सही है। अच्छा उमेर भाई ये भी इंक्लूडेड है वो, ये PS4 की आपने? अरे हाँ ये लगाना भूल गया था, ये टोटल तीन वहाँ पर लगे हुए थे, एक छोटा ये, चार एक्शन फिगर है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो ऊपर वाले के साथ, सही है। तो फिलहाल जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे भरपूर स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ पे कंसोल्स का, गेम्स का, और PS4 की गेम्स की प्राइसेस नहीं पूछ रहे क्योंकि वही फिर वीडियो लंबी करने वाली बात है। तो जैसे कि एक्सबॉक्स 1 के इस बार आपको रेट बता दिए गए सीरीज़ के, और कंट्रोलर्स वगैरह के, कंसोल्स के यहाँ पे रेट बता दिए गए, एक्सबॉक्स 1 के, 1S के, 1 की काफ़ी डिमांड आती है आजकल, तो 1 की भी जैसे रेट हमने पूछ ली, यहाँ पे PS5 वगैरह के भी रेट आपको पता लग चुके हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो, गेम्स की, कंसोल्स की, कंट्रोलर्स की, कंसोल्स वगैरह की, या मेंबरशिप वगैरह, गेम पास वगैरह, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल करें या फिर शॉप पर आके विजिट करें, तो शॉप पर आगे विजिट करें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यही कहना चाह रहा था। देखें सबसे बेहतरीन, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ और आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन हल जो है आप विजिट करें मेरी शॉप पे, कराची वालों के लिए, कराची वालों के लिए आप विजिट करें शॉप पे, चीज़ देखें, समझें, समझ आती है डील, इंशाल्लाह हम करेंगे और आप हमसे चीज़ बाय करें, क्योंकि देखें अमूमन जो ना इसमें बड़ी परेशानी होती है आप लोगों की भी, मुझे मेरे को भी थोड़ी सी परेशानी होती है, और आप लोग भी फिर डिस्टर्ब होते हो, आप लोग भी कहते हो यार हमारे पे रिप्लाई नहीं करते, जवाब नहीं देते, सही से हमें गाइड नहीं करते, तो यार मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से यहाँ पर मसरूफ़ रहता हूँ, आप लोगों में यहाँ पर आप लोगों में बिजी रहता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपको तस्वीर सेंड करूँ या मैं आपको गेम के बारे में बताऊँ व्हाट्सअप पे या कॉल पे। तो सबसे बेहतरीन हल आप मेरे को कॉल करते हो तो कॉल करके डायरेक्ट विजिट करो, आप चीज़ देखो और मुझसे चीज़ बाय करो, सही। तो नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पर नहीं शो हो रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।